कमलनाथ के आज से चुनावी दौरे शुरू हो रहे हैं। आज मुरैना दौरे पर रहेंगे कमलनाथ। मुरैना में मंडल सेक्टर अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक भी कमलनाथ करने वाले हैं। अंबा विधानसभा में सभा को कमलनाथ संबोधित भी करेंगे। कमलनाथ मुरैना में चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करने वाले हैं। बता दें 1 सितंबर को नीमच जाएंगे कमलनाथ, जनसभा को मंडलम सेक्टर की बैठक भी लेंगे और जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। तो आज मुरैना 1 सितंबर को नीमच पहुंचेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। ने साफ तौर पर कांग्रेस में चुनावी तैयारियां तेज होती जा रही हैं, जिसके चलते कमलनाथ का दौरा भी तेज हो रहा है। ये बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर, जहां कमलनाथ के आज से चुनावी दौरे शुरू हो रहे हैं। आज पूर्व सीएम कमलनाथ मुरैना के दौरे पर रहने वाले हैं। बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। मेरे सहयोगी शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, आज पूर्व सीएम कमलनाथ मुरैना के दौरे पर हैं और 1 सितंबर को नीमच के दौरे पर पहुंचेंगे, लेकिन इससे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी आज मुरैना में? देखिए अलीशा, बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से, मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की बात की जाए तो वो साफ कह चुके हैं कि कमलनाथ ही उनके मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आलाकमान ऐलान क्यों नहीं करता, तो उसको लेकर कहते हैं कि विधायकों की जब बैठक होगी उसके बाद तय किया जाएगा चुनाव के बाद। यानी ये साफ है कि मध्य प्रदेश के अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो मुखिया कमलनाथ ही होंगे और इसी के कारण वो अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनके चुनावी दौरे तेज होते हुए नजर आएंगे। यानी जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग जिलों में जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं, वैसा ही संवाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर पूरा जन लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा संगठन को ध्यान में रखते हुए ये मंडलम सेक्टर की बैठक भी लेंगे। इस बार की बात की जाए तो कांग्रेस का सबसे ज्यादा अगर फोकस है, जो कमलनाथ कई बार खुले मन से कह चुके हैं कि उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं बीजेपी के संगठन से है, तो इस बार भी कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की तमाम प्रयास किए गए हैं और उसी को लेकर आज जब दौरे पर पहुंचेंगे मुरैना के अंबा में, तो अंबा में वो मंडलम सेक्टर की बैठक लेते हुए नजर आएंगे। अंबा वो सीट है जहां पर कांग्रेस लंबे समय से नहीं जीती है। इसके अलावा आज ये दौरा होने जा रहा है। इसके अलावा 1 सितंबर को नीमच में एक दौरा होने जा रहा है, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से संवाद करते हुए नजर आएंगे और वहां पर भी संगठन को ध्यान में रखते हुए मंडलम सेक्टर की बैठक लेंगे। कमलनाथ खुद जब किसी भी जिले में जाते हैं तो मंडलम सेक्टर की पूरी रिपोर्ट लेते हैं और एक एक चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है कि मंडलम सेक्टर जो है वो कागजों पर तैयार कर दिया जाता है, इसलिए ग्राउंड पे क्या स्थिति इसकी जानकारी भी कमलनाथ अपने दौरे के दौरान अलीशा लेते हुए नजर आते हैं। कितना फायदा होगा, पूर्व सीएम कमलनाथ सिर्फ दौरे पर नहीं है, बड़ी बैठकों का आयोजन भी कर रहे हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे जेएमपी